वेलकम आप सभी का, मैं ओपी के मैसेज सेंडर को इजी है। कैसे आप लोग समझते हैं? चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसके कुछ आगे पार्ट, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर की बात करेंगे। जैसे हम लोग अल्टरनेटर का मेन पर्पस पढ़ लिए थे, जो इसके फंक्शंस हैं, इसके मेन पार्ट हैं, जो काम करने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में जाने थे। अब ये किस किस आधार पर इसके प्रकार एंड टाइप्स को बोल सकते हैं इसके बारे में जाने, कुछ नहीं बनावट के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के वर्किंग के आधार पर इसका नाम पड़ता है। और इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, एकदम क्वेश्चन इसमें बहुत आसान आते हैं, समझ गए? आपको लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, समझ लीजिए आप। देखिए एक्साइटर यानी उत्तेजक, उत्तेजक मतलब क्या बताया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए इसके रोटर में, यानी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ भी पैदा करना था उसको अलग से डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती थी। और डीसी सप्लाई का जरूरत बैटरी देगा, छोटे छोटे अल्टरनेटर में आप दे सकते हैं। लेकिन हमने कहा था कि बड़े बड़े अल्टरनेटर जो आपको पावर जनरेशन यानी विद्युत उत्पादन जहाँ पर होता है बड़ी मात्रा में, जो आपको गाँव में, शहर में, पूरे राज्य में, और राज्य में कई अलग देशों में भी आप उसको पूरे देश में इसका यूज करते हैं, तो वहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, वहाँ बड़े पैमाने पर मैग्नेटिक फील्ड को बनाना पड़ता है। और बड़े पैमाने पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो डीसी सोर्स हम देते थे वो कौन सा देते थे? डीसी शंट जनरेटर देते थे। और डीसी शंट जनरेटर उत्तेजक यानी एक्साइटर एक डीसी शंट जनरेटर होता है जिसकी वोल्टेज लगभग 250 वोल्ट होती है। इन अल्टरनेटर में यहाँ बैटरी लगी हुई है ना, इसकी जगह पे डीसी शंट जनरेटर लग जाए। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब चलते हैं आज नेक्स्ट। देखिए क्या है नेक्स्ट, टाइप ऑफ अल्टरनेटर यानी अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक के प्रकार। आइए देखते हैं अल्टरनेटर के प्रकार और पढ़ते भी जाते हैं। सबसे पहला प्रकार किसके आधार पर दिया गया है ये हम लोग पढ़ें, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं। ये प्राइम मूवर का मतलब क्या है कि जो भी अल्टरनेटर को घुमाने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो आपका घूमता था और स्टेटर स्थिर रहता था, इसको घुमाने के लिए अलग अलग तरीका का प्रयोग किया गया, अलग अलग स्टाइल का, अलग अलग जुगाड़ लगाया गया। तो उसके आधार पर हमने कहा कि प्राइम मूवर के आधार पर, पहले प्राथमिक घुमाने वाला, तो प्राइम मूवर के आधार पर किन किन चीज़ों को घुमा करके आप अल्टरनेटर बना सकते हैं ये बातें कह रही हैं। प्राइम मूवर के आधार पर सबसे पहला है वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर। देखिए अब हम लोग यहाँ से कोरिलेट करेंगे, जहाँ आप लोग पावर जनरेशन पढ़ेंगे आगे, तो पावर जनरेशन में इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर का। लेकिन यहाँ पर घुमाने के लिए वाटर का प्रयोग करते हैं, वाटर का प्रयोग यानी डैम बनाकर, बांध बनाकर, बड़े बड़े नदियों से बांध बनाकर के ऊपर से पानी नीचे गिराया जाता है और उसमें टर्बाइन, यानी टर्बाइन का मतलब पंखी, समझिए ना, इसमें पंखी डालिएगा और इसे पानी दीजिएगा तो पंखी घूमेगा, और जो घूमेगा उसके साथ क्या करेंगे, एक जनरेटर लगा देंगे। छोटा सा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए ना, ये जो है ये वाटर टर्बाइन वाला है अल्टरनेटर। कैसे? देखिए यहाँ पर डैम बना हुआ है, ये डैम जो बना हुआ है ध्यान दीजिए, ये डैम है, इधर पानी है, मतलब नदी से पानी आया और यहाँ जमा कर लिया और इसको हाइट बढ़ा दिए, और ये यहाँ पर पानी निकालने की जगह लगा दिए, ये स्पीड भी लगा दिए, आगे आप स्पीड समझेंगे क्या होता है। ये क्या करता है, पानी इस टर्बाइन को घुमाता है, और पानी का इतना बड़ा मात्रा होता है इसको बहुत तेजी से घुमाता है, और तेजी से घुमाता है इसके आगे देखिए अल्टरनेटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर से क्या होता है, विद्युत पैदा करता है, और आपके गांव शहर में जाना, ये आपके गांव शहर में ये भेजता है थ्री फेज वाला, समझ रहे आपको? तो ये क्या है वाटर टर्बाइन, मतलब आप लोग क्या करते थे पहले डीसी जनरेटर पढ़ते थे, तो डीसी जनरेटर में लोग जनरेटर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर के रूप में डीजल इंजन का प्रयोग करते थे ज्यादातर, तो वो प्राइम मूवर था, तो छोटा वाला था, लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में 11,000 वोल्ट पैदा कर रहा है। उससे आपको 250 वोल्ट पैदा करना था, तो डीजल इंजन पे काम चल जा रहा था, लेकिन इस पे 11,000 वोल्ट यानी 11 केवी, ज्यादा केवी से बता रहे आपको कि 11 केवी मैक्सिमम पैदा कर सकते हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और यानी स्टेप अप कर सकते हैं, ये वाटर टर्बाइन वाला है। वाटर टर्बाइन में आप देख लीजिए इसका पूरा डिटेल आप पावर जनरेशन में पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको अल्टरनेटर में पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना वाटर टर्बाइन पर नहीं करेंगे, इसका क्या काम है। इसमें हम लोग बात करें कि अल्टरनेटर को पानी के फोर्स द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है, पानी के फोर्स द्वारा घुमाया जाता है, और जो बाद से उससे पानी निकलता है तो आप नहरों में और नदियों में जान देते हैं, नहर कैनाल बनाकर आप सिंचाई में भी प्रयोग करते हैं, करते नहीं करते हैं, जहाँ डैम बनाया जाता है उसका अलग एक उससे कट सिस्टम होता है कि नदी से साइड करके पानी जमा किया जाता है और टर्बाइन का यूज करता है, और वो आप देखेंगे कई जगह जो आपके पावर हाउस है, पावर हाउस मतलब ये पानी वाला, वाटर टर्बाइन वाला, तो उसके जो पानी निकलते हैं उसको कई सारे नहरों में उसे क्या कर सकता है, अलग कर देता है, और कई राज्यों में उसे सिंचाई के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें तो पानी बहती ही रहती है। चलिए ये वाटर टर्बाइन वाक्य फोर्स द्वारा घुमाया जाता है, अगर है कि पानी की फोर्स कम होने के कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो सही बात है कि जब पानी की फोर्स कम हो जाती है तो इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, और ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कम पैदा करने लगता है। लेकिन हर जगह ऐसा व्यवस्था नहीं है, पानी की लेवल को ये ऐसा जुगाड़ ऐसे जगह पे डैम बनाता है कि इसको पानी की लेवल लगभग कम नहीं होने देता है, थोड़ा ज्यादा बहुत कम होता है, लेकिन उसको क्या करता है माइनस कर लेता है। डैम माइनस करने के बाद ये कहा है कि इसका पोल बढ़ाकर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी प्राप्त किया जाता है, इस बात को देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको समझ में नहीं आया कि इसकी पोल को बढ़ाकर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। कहा पानी का जो लेवल है वो पानी जो गिरेगा यानी पानी जो प्रेशर देगा तो वो वही स्पीड होगा इसका, यानी अल्टरनेटर को घूमने का जो स्पीड होगा वह इस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता, जो स्पीड होगा वो लिमिट ही होगा, वो ज्यादा नहीं हो सकता, जो भी तैयार कर लीजिए उसी स्पीड से वाला होगा, पानी जिससे जिस मात्रा में गिरेगा तो मैक्सिमम वही स्पीड होगा। कह रहा है कि यहाँ पर अगर आपको अधिक फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग करंट पैदा करना है तो क्या करता है, कह रहा है पोल को बढ़ा लीजिए। पोल को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपका जो अल्टरनेटर है, मान लीजिए हमने कहा कि ये अपना ये ऐसा वाला सीरियल पोल वाला मान लीजिए रोटर है ना, ये समझिए इस पर वाइंडिंग किए, इस पर वाइंडिंग किए, इस पर वाइंडिंग किए, इस पर वाइंडिंग किए, कितना चार पोल के लिए हुआ। लेकिन याद रखिएगा ये चार पोल के लिए है, आपको इस पर जितना फ्रीक्वेंसी है आप क्या कर सकते हैं, इसका स्पीड आप इस स्थिति में नहीं बढ़ा सकते, पानी जो आ रहा है इस टर्बाइन को घुमा रहा है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, कह रहा है कि ज्यादा पोल बढ़ा लीजिए, पोल की संख्या को बढ़ा दीजिएगा, तो पोल की संख्या बढ़ेगा तो फ्लक्स का मात्रा क्या जाएगा, पोल से ज्यादा पोल बनाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाएगा, और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा तो कंडक्टर को ज्यादा मात्रा में काटेगा, और ज्यादा मात्रा में काटेगा तो आपका क्या होगा, ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि इधर ये पोल है, इसके अंदर आपका जो अपना
एस टी करेंट जो आर्मी से वो कटाना है, तो फ्लक्स पोल बढ़ाने से, याद है आपको डीसी जनरेटर में भी आपको बता कि पोल बढ़ाने से क्या होगा, इसका फ्लक्स कमान बढ़ेगा और जल्दी जल्दी कंडक्टर को काटेगा और कंडक्टर में ईएमएफ जो है अधिक फ्रीक्वेंसी में पैदा होगा। कैसे याद है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाना है तो आपका ये फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी होता था, क्या होता था 120 एफ बटा पी, जैसे लेकिन आप सोच लेते हैं आपको यहाँ एन इज इक्वल टू 120 एफ बटा पी, तो जब फ्रीक्वेंसी निकालने की बात करें तो एन पी बटा 120 हो जाए, एन पी बटा 120। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए एसपी, यहाँ पर जो स्पीड है एसपी, तो जो पानी भर रहा है गिर रहा है उसका लिमिट होगा, और पोल आप इसको बनाते समय पोल बढ़ा दीजिए, आपको क्या फ्रीक्वेंसी अधिक मिल जाएगी, यही बात लिखा है, इसका पोल बढ़ा करके एक निश्चित फ्रीक्वेंसी प्राप्त की जा सकती है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ठीक से वाटर टर्बाइन वाला, ठीक है, वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिखना चाहिए, ये इसको लिख लीजिए, ये आपको पूछेगा कि वाटर टर्बाइन वाला अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए अधिक फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, पोल की संख्या को बढ़ा देंगे, अल्टरनेटर पोल। आगे बात करें कि स्टीम टरबाइन, देखिए अभी ज्यादातर अभी जो इंडिया में यूज हो रहा है ना वो स्टीम टरबाइन ही यूज हो रहे हैं, क्या है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग बिजली उत्पादन है ना वो कोयला वाला अभी अधिक है, अब धीरे धीरे परमाणु रिएक्टर वाला बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो विद्युत उत्पादन का कैपेसिटी है वो कोयला वाला से, लेकिन कोयला खत्म हो जाएगा तो दिक्कत है, इसलिए परमाणु रिएक्टर पर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर जो बात कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्टीम टरबाइन में क्या होता है, स्टीम टरबाइन में पानी का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है कि स्टीम टरबाइन पानी का प्रयोग नहीं होता, स्टीम या भाप बनेगा, उसको बनने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी तो चाहिए, इसमें कोयला भी चाहिए, ये हम पावर जनरेशन में बहुत तेज पढ़ते हैं, विद्युत के उत्पादन में पढ़ते हैं, अल्टरनेटर पढ़ा है, अल्टरनेटर को घुमाने के लिए जो बनाया जाता है अल्टरनेटर पढ़ेंगे, इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो फिर पावर जनरेशन पढ़ाएंगे, वहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप लोग, देखिए कि यहाँ पर स्टीम टरबाइन की बात करें तो इसमें होता क्या है कि अल्टरनेटर जो होता है वो स्टीम से चलता है, किसी चलता है भाप से, आप जानते हैं पहले वाष्प इंजन होता है ना रेल वाला, ताकि नहीं, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक बॉयलर होता है, देखें इसमें पानी है और इसमें कोयला जला करके या ईंधन हीट पैदा करके क्या किया जाता है, इस पानी को गर्म किया जाता है और ये बॉयलर से जो पानी गर्म होता है, कोयल पावर प्लांट, मतलब सॉरी कोयल कोयला वाला पावर प्लांट होता है, इसमें गर्म किए और गर्म करने वाला तो बॉयलर क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, देखिए स्टीम बन रहा है और ये स्टीम क्या है, एक पाइप के जरिए बहुत हैवी फास्ट स्टीम जाएगा और यहाँ पर है टरबाइन, तो अलग अलग टरबाइन होंगे, सारे टरबाइन का नाम, सारे टरबाइन का काम कहाँ प्रयोग करते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो अपना अल्टरनेटर में वाष्प लगा के घुमाए, ये टरबाइन में शाफ्ट लगा दिए और शाफ्ट के साथ क्या कर दिया, अल्टरनेटर को जोड़ दिया और ये अल्टरनेटर को जोड़ दिया, जितना स्पीड में टरबाइन घूमेगा उतना ही स्पीड में इसका क्या बनेगा, ये इसका अल्टरनेटर का भी क्या स्टेटर होगा, रोटर घूमेगा और रोटर घूमेगा, याद रखिए फिर यहाँ पर क्या जाएगा, अल्टरनेटर आप विद्युत पैदा करेगा और विद्युत पैदा करेगा तो इतना 11 केवी और ये बड़े बड़े टावर्स लेकर बाहर ले जाते हैं और यहाँ पर पावर उत्पादन करते समय जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा पावर जनरेशन के समय यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, टीएफएन ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप अप होगा, क्या होगा स्टेप अप, ध्यान दीजिएगा जनरेशन में स्टार्टिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ताकि 11,000 वोल्ट को बढ़ा करके मैक्सिमम कितना किया जाए, 33,000 66,000 2,20,000 वोल्टेज किया जाए, ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं बात, आइए ये था स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, इसमें कह रहा है कि जो इसका स्पीड होता है वो बहुत अधिक होता है, समझिएगा बात, कह रहा है इस प्रकार के अल्टरनेटर के रोटर घुमाने के लिए वाष्प यानी स्टीम की आवश्यकता होती है, तीव्र धारा स्टीम जेट इंजन से टरबाइन होता है, जेट इंजन का मतलब ये जो आप क्या कहते हैं ये जो लगाया गया है इसको जेट इंजन बोलते हैं, वाष्प बारा और इसके बारे में डिटेल्स देखिए टेंशन मत लीजिए आप लोग, और स्टीम टरबाइन का जो स्पीड होता है ध्यान दीजिएगा कि स्टीम टरबाइन का स्पीड वाटर टरबाइन के स्पीड से अधिक होता है, याद रखिएगा इसमें जो टरबाइन लगाया गया है कि टरबाइन का जो स्पीड है ये वाटर टरबाइन के स्पीड से अधिक होगा, क्यों, वहाँ पर पानी नहीं था, यहाँ पर वाष्प का प्रेशर होता है, वाष्प के प्रेशर से अधिक प्रेशराइज होकर ये टरबाइन क्या करता है घूमता है और अधिक स्पीड में अल्टरनेटर को घुमाएगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को देखिए पोल कम मिलेगा, यहाँ पर कम फ्लक्स मिलेगा तो आपका मतलब क्या है फ्लक्स को ज्यादा से ज्यादा करवाना, तो फ्लक्स को ज्यादा से ज्यादा करवाने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड को भी बढ़ा देंगे तो क्या जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर देखिए करें यदि कोई आता अल्टरनेटर की आर्मेचर पोल में कम रखी जाती है तो यहाँ पर जो स्टीम टरबाइन वाला अल्टरनेटर होता है वहाँ पोल कम भी रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि यार एफ वाला क्या होता है एन इंटू पी बटा 120 ये होता है, यहाँ पर इस बार पोल कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पीड क्या है अपना हाई है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्पीड के आधार पर सही सामान जो आपको चाहिए वो मिल जाता है, समझे बात, ये स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, सिर्फ आपको ये लिख रही है ये आपको दिखा रहे हैं आगे इसको काम देगा आपको पावर जनरेशन और डिटेल्स एक एक चीज का प्रयोग पड़ेगी, कौन सा टरबाइन है, ये पानी आता है रिजर्वर होता है ये क्या होता है, सारी चीज़ होता है कंडेंसर क्या होता है अल्टरनेटर में, सारी चीज़ आपको काम देता है पावर जनरेशन, तो अभी यहाँ पर सिर्फ आपको दिखता है तो ये वहीं पर मिलेगा आपको, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करें तो किसके आधार पर, ऑयल इंजन के आधार पर, ये ऑयल इंजन के आधार पर ये तो सभी लोग देखें, ऑयल इंजन के आधार पर मतलब क्या है, ये देखना बढ़िया मशीन इसे क्या डीजल डालिए स्टार्ट करिए और यहाँ अल्टरनेटर छोटा लगा दीजिए और यहाँ भी 3 फीट पैदा कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कर सकते, लेकिन 40 वोल्ट या 600 1000 इससे ज्यादा नहीं कर सकते, याद रखिए यदि कम पैमाने पर कम मान के अगर आपको अल्टरनेटिव करंट पैदा करना हो तो ऑयल इंजन अल्टरनेटर, ये हमने पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइम मूवर के आधार पर, तो प्राइम मूवर के आधार पर बात कर रहे हैं तो प्राइम मूवर के आधार पर तो ये भी घुमाने वाला ही काम करता है, तो ये डीजल इंजन मतलब इंजन ऑयल इंजन अल्टरनेटर, समझ मेरी बात को, ये ऑयल इंजन अल्टरनेटर क्या कर रहा है कि जहाँ पर वाटर का व्यवस्था नहीं हो और जहाँ पर स्टीम का व्यवस्था नहीं, समझ मेरी बात को, जहाँ ना वाटर हो ना स्टीम हो जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो ऐसे जगह जहाँ पर ये दोनों चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है जो हम लोग अल्टरनेटर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ घुमाने के लिए अल्टरनेटिव करंट पैदा करने के लिए वाष्प नहीं है पानी नहीं है डैम नहीं है तो वहाँ पर क्या करते हैं इंजन ऑयल का यानी जो भी इंजन हो या डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो से मतलब नहीं है लेकिन ऑयल इंजन मतलब तेल वाला मशीन से हम प्रयोग करते हैं टरबाइन।
ये थे प्राइम मूवर के आधार पर, किसके आधार पर? प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर, ध्यान दीजिएगा, ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कह रहा है इसके बाद कि वो तो था, अब इसके बाद घूमने वाला, अब कौन चीज़ घूमता है? शुरू में भी आपको कुछ वीडियो में दिखाए थे, एक बार क्या होता था फ्लक्स को ही घुमाते थे और एक बार क्या होता था फील्ड को घुमाते थे, तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं तब घुमाने वाले के आधार पर, मतलब कौन इसमें स्टेटर मतलब फील्ड घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड घूमता है कि आपका कंडक्टर घूमता है, इसके आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप याद रखेंगे तो इसका क्या बेनिफिट होता है ना, इस पर आधारित क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। घूमने वाला आर्मेचर प्रत्यावर्तन जो होता है रोटेटिंग आर्मेचर वाला, इस बात का आर्मेचर को घुमा है तो आर्मेचर को घुमाने वाला होता है, दूसरा होता है फील्ड को क्या घुमाने वाला घूमने वाला फील्ड अल्टरनेटर, मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक आपको दिखा देते हैं। देखिए हम बता रहे हैं ये आपका स्टेटर है और इस पर मान लीजिए इसके घूमने वाला आर्मेचर की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि अपना आर्मेचर यानी फ्लक्स कंडक्टर को काटने के लिए फ्लक्स यहाँ रख देते हैं आराम से और कंडक्टर यानी चालक को ही घुमाते हैं तो फ्लक्स इस चालक को काटता है, इसमें ईएमएफ पैदा होता है और ईएमएफ पैदा होता है इसमें क्या बहती है करंट यानी धारा बहती है और ये आपका अल्टरनेटर हो गया। ये इसके आधार पर आर्मेचर के घूमने के आधार पर, लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि हम लोग क्या करते हैं आज आप फील्ड को ही घुमाएंगे, आपको दिखाते हैं इसमें क्या करेंगे, इधर से सप्लाई तो दोनों में देंगे डीसी, समझ लेना यहाँ फ्लक्स लगाएंगे डीसी देंगे यहाँ भी देंगे, तो ये डीसी सप्लाई दिए और जो आपका कंडक्टर था इस कंडक्टर का वाइंडिंग इसी स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग जो है ये स्टेटर पर निकल दिए और ये फ्लक्स जो है ये फ्लक्स यहाँ पर एनओएस बन रहा है निकल रहा है तो इसी को क्या करेंगे घुमाएंगे तो सारा फ्लक्स क्या करेगा बाहर वाले कंडक्टर इसको काटेगा और इसमें क्या पता जाएगा आपका 3 फेज RYB और इसमें वाइंडिंग क्या होता है अलग अलग 3 फेज के लिए होता है, समझ लेना इसके बीच जो आपका फेज सीक्वेंस का जो RYB है तीनों फेज में इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है वो 120 डिग्री होता है, हम लोग आगे देखेंगे समझ लेना इसमें क्या हो रहा है कि आर्मेचर ही घुमा है कंडक्टर घुमा है, इसमें क्या कंडक्टर स्थिर है और रोटर क्या घुमा है और फिर मैग्नेटिक फील्ड को घुमा है, ये घूमने पर बात होगी कितने प्रकार के दो प्रकार के। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, अब दोनों में क्या क्या कहानी है इसके बारे में जानते हैं, तो इस फोटो को पहले आप बना लीजिएगा बनाने के लिए होगा तो हम थोड़ा मिटा देंगे इसको, चलिए ठीक है जी। चलिए आगे भाई कह रहे हैं, अरे क्लीन हो जाओ, कह रहे हैं कि अधिक स्पीड होने के कारण अधिक वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है, किसमें? घूमने वाला आर्मेचर वाला में, आर्मेचर वाइंडिंग को सरलता से स्टार डेल्टा कनेक्शन करके हाई वोल्टेज पैदा किया जा सकता है, मतलब इसमें आर्मेचर घूम रहा है ठीक है, तो ऐसी सॉरी ये इसमें नहीं कह रहे आपको ये ऊपर वाला में नीचे वाला में और हम ये समझेगा कि घूमने वाला फील्ड अल्टरनेटर, घूमने वाला फील्ड अल्टरनेटर में क्या होता है समझेगा, ये दूसरा नंबर पहला वाला का डेली के सिग्नल के पीछे पता हो जाएगा, लेकिन घूमने वाला फील्ड में क्या कहानी होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा कंडक्टर होते हैं, पिछली बार भी आपको बताया पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसमें कंडक्टर एंड कॉइल बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा कॉइल घुमाने के लिए बहुत ज्यादा कॉइल घुमाएगा तो उसमें क्या होना चाहिए कि बहुत अच्छे से वाइंडिंग करना चाहिए और उसको मैकेनिकली टाइट करके रखना चाहिए, लेकिन उतना वजन को घुमाना बहुत टफ है, इसलिए क्या था कि इस बार फ्लक्स को घुमाना आसान हो सकता है तो फ्लक्स को ही घुमाइए फ्लक्स को फील्ड को ही घुमाइए, तो ये दूसरा नंबर वाला है घूमने वाला फील्ड के आधार पर, घूमने वाला फील्ड के आधार पर बात करें तो इसमें क्या होता है जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर इसमें अपना 3 फेज के लिए क्या है यहाँ पर ये अपना 3 फेज का वाइंडिंग कर दिए और इसको कटवाने के लिए यहाँ अंदर में क्या है एन और एस का निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है एन और एस का निर्माण कर रहा है, ये एन और एस का निर्माण करने के लिए इसमें क्या देते हैं डीसी सप्लाई देते हैं, तो इसी फील्ड को आप टरबाइन लगा करके इसमें क्या घुमाइए तो फ्लक्स जितना स्पीड घूमेगा उतना अधिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फ्रेंड्स आपने कहा कि ज्यादा वोल्टेज पैदा करना होगा तो आप क्या करिए फ्लक्स के कटने की दर को बढ़ा दीजिए, तो फ्लक्स जो कटेगा किस कंडक्टर पर कटेगा तो फ्लक्स इतना स्पीड घुमाएगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कंडक्टर पैदा करेगा, फ्लक्स पैदा करेगा कंडक्टर कटेगा इन परिवर्तन अधिक होगा तो आपका वोल्टेज अधिक होगा, समझेगा बात। अब दूसरा बात है कि अगर आपका देखिए आपका ये वाला कौन ये जो वाइंडिंग है स्टेटर वाला ये नहीं घूम रहा है तो इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं आसानी से इस कनेक्शन को स्टार बदल दीजिए, अब रखा हुआ है तो कनेक्शन को आराम से बदल सकते हैं, अगर कनेक्टर घूमता हुआ रहता तो स्टार डेल्टा कनेक्शन करना बड़ी दिक्कत होता, तो यहाँ पर क्या स्टार डेल्टा कनेक्शन आपको समझाएं, आप क्या करिए इस बार जो कनेक्टर स्थिर है तब कोई भी कनेक्शन कर लीजिए आसानी से कर सकते हैं और इसके वोल्टेज को हाई वोल्टेज में पैदा कर सकते हैं ठीक है, ये खासियत है किसका ये खासियत है घूमने वाला फील्ड वाला, उसमें कंडक्टर सीधे समझना बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा करना तो बहुत ज्यादा कॉइल को घुमाना कठिन होता है कॉइल खुल सकता है क्योंकि इसमें अगर घुमाएंगे तो कॉइल बाहर तक छिटक जाएगा, छिटकने का मतलब आप देखते हैं जैसे घुमाइए तो बाहर टूट फूट के बाहर निकलने लगता है ये कहानी होती है टूट फूट की समस्या बढ़ जाएगी ठीक है, ये घूमने वाला के आधार पर ठीक है, ये घूमने वाला के आधार पर अल्टरनेटर की बात की, अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और किस के आधार पर बात करें ये बात देखिएगा, अब क्या है फेज के आधार पर देखिए ये है कि अब कितने फेज का आपको ये सप्लाई पैदा करता है, तो फेज के आधार पर बात करें फेज के आधार पर बात करें तो फेज के आधार पर तो दो ही होता ही है आपको पता होना चाहिए, एक होता है सिंगल फेज अल्टरनेटर एक होता है 3 फेज अल्टरनेटर, सिंगल फेज अल्टरनेटर में एक सिंगल फेज की वाइंडिंग होता है और उसको कनेक्टर कटाते हैं तो वो पैदा करता है क्या सिंगल फेज ही क्या पैदा करता है सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है और याद रखिए थ्री फेज 120 डिग्री पर याद रखेगा ये 3 फेज अल्टरनेटर है यानी 3 फेज अल्टरनेटर में क्या होता है याद रखिएगा यहाँ पर सिंगल फेज में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री का डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है कितने का 90 डिग्री का, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि 3 फेज अल्टरनेटर में जो तीन सप्लाई RYB 1 2 3 कॉइल है और ये अंदर में क्या है फील्ड है फ्लक्स है इसी को घुमाएंगे और घुमाएंगे तो इसमें देखिए ये कटेगा ये कंडक्टर कटेगा कंडक्टर में पैदा होगा RYB ये भी बहुत जरूरी है ये अल्टरनेटिंग जो करंट है अल्टरनेटर जो पैदा करता है उसके फेज सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं RYB यानी वो पूछेगा आपसे तो आपको सीक्वेंस कैसे होता है रेड येलो और बोलो ये लाइन आप याद रखिएगा ऐसा नहीं है ये तो सबको याद ही होगा लेकिन इसको एकदम हमेशा याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि जो 3 फेज सप्लाई होता है उसका फेज सीक्वेंस की बात करें तो फेज सीक्वेंस का क्रम क्या होता है लाल पीला और नीला क्या होता है रेड मतलब लाल येलो मतलब पीला ब्लू मतलब नीला ये तीनों इसका फेज सीक्वेंस है और दूसरा ये पूछता है कि तीनों के बीच जो होता है तीनों फेज में जो आपका वोल्टेज पैदा होता है उसके बीच जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है
कितना 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, मतलब इसका फेज और इसका फेज, इसका फेज इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कितने डिग्री होगा, 120 डिग्री। आपको हमेशा याद रखना चाहिए और लिख लीजिएगा कंप्लीटली। इससे क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चन इतना आसान है कि आसानी में नंबर मिल जाता है, आसान को भी थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होकर देख लेंगे तो पता चलेगा रेड येलो की बात भूल लीजिएगा, फिर तीन चार ऑप्शन आएगा, मिस्टेक सब मान लीजिएगा, ठीक है। तो आर वाई बी वहाँ लिखाएगा, वहाँ रेड येलो और ब्लू लिखाएगा, यानी लाल नीला, लाल पीला नीला लिखा हुआ है, ठीक है। ये फेज के आधार पर अब हम लोग देखिए, फेज के आधार पर बात कर लिए, फेज के आधार पर ज्यादा कुछ जाना, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये फोटो को बना लीजिएगा, एक में सिंगल पेज में 90 डिग्री डिफरेंस, सी नहीं लिखेगा, 90 डिग्री सी नहीं, सी मतलब टेम्परेचर है, 90 डिग्री एंगल की बात करें, ठीक है। चले आगे इसको लिख लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि अब ये बात कर रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे एक्साइटर के, एक्साइटेशन के आधार पर, एक्साइटेशन के आधार पर भी यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्साइटर लगाते हैं, उत्तेजक लगाते हैं, तो उत्तेजक के आधार पर किस किस प्रकार के उत्तेजक लगाते हैं, तो कौन कौन से टाइप के अल्टरनेटर कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे, इसको देख लीजिए, चलिए अब आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके एक्साइटेशन के आधार पर बात करते हैं, किसके एक्साइटेशन के आधार पर अल्टरनेटर के प्रकार क्या होते हैं, एक्साइटेशन के आधार पर अल्टरनेटर के प्रकार की बात करें, इसका मतलब होगा कि फील्ड जो उत्पादन करते हैं, यानी कि फ्लक्स पैदा करने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं, उसके आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्साइटेशन यानी उत्तेजना के आधार पर, उत्तेजना मतलब नेगेटिव फील्ड बनाने के आधार पर, ये एक्साइटेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं, ठीक है। पहला होता है सेल्फ एक्साइटेड, क्या होता है सेल्फ एक्साइटेड यानी स्व उत्तेजित, मतलब ऐसे अल्टरनेटर जिसमें फ्लक्स पैदा करने के लिए बाहर से कोई डीसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, यानी रोटर वाइंडिंग में बाहर से वही सप्लाई या बैटरी या डीसी जनरेटर का प्रयोग नहीं करते हैं, ये खुद खुद पैदा कर लेता है, उसको सेल्फ एक्साइटेड बोलते हैं, कैसे पैदा करता है आपको समझा। दूसरा फील्ड में फ्लक्स पैदा करने के लिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, यहाँ पर रोटेटिंग, रोटेटिंग मतलब खुद से आप घुमाते हैं उसको, तो यहाँ जो पैदा करेगा तो कनेक्टर काटने के लिए चाहिए फ्लक्स है, तो फ्लक्स पैदा करने के लिए बाहर से सप्लाई दिया जाता है, जैसे हम लोग डीसी सोर्स बाहर देते हैं उसे सेपरेटली, मतलब अलग से दिया जाता है, उसे सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके कहानी जैसे हम लोग जनरेटर पढ़ते थे, एक सेपरेटली जनरेटर पढ़ते, सेपरेटली एक्साइटेड पढ़ते थे, एक सेल्फ एक्साइटेड पढ़ते थे, वही कहानी यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है। आइए हम देखते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में क्या कहानी होता है। सेल्फ वाला कहता है कि जिसमें रोटर वाइंडिंग उत्तेजित करने के लिए क्या करता है कि बाहर से डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको बताया, ये अपना स्टेटर और ये अपना रोटर है, इस बार स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है, याद रखना अल्टरनेटर में स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होता है और रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होता है, क्योंकि फील्ड पैदा करने के लिए रोटर का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह रोटर, ये रोटर में हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ जो एन ओएस का निर्माण करते थे तो इसके लिए बाहर से सप्लाई देते थे, लेकिन ये कह रहा है कि इसके बाहर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए क्या करना, ये मान लीजिए थ्री फेज का वाइंडिंग है, समझिएगा बात को, ये आपको समझा रहे हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा तो कभी भी कोई क्वेश्चन कोई भी मल्टीपल चॉइस में कथन के हिसाब पड़ेगा तो आप उसको सही कर पाएंगे कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ये जो पहले से ये जो फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण है, इसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, याद रहेगा, आपको बताया था रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशेष चुंबक, पहले से थोड़ा सा मैग्नेट इसमें मौजूद होता है, जब इस फील्ड को घुमाएंगे तो मान लीजिए पहले से दो चार फ्लक्स हो तो दो चार फ्लक्स इन तीनों कॉइल को क्या करेगा, काटेगा, और तीन ये तीनों कॉइल को काटेगा तो तीनों में से कनेक्शन नहीं रखना है, तीनों कॉइल को काटेगा कुछ ना कुछ तो यहाँ पैदा होगा, थोड़ा सा ईएमएफ तो पैदा होगा ना जी, तो थोड़ा सा भी अगर पैदा होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर पैदा होगा तो क्या करता है, उसी ईएमएफ को कनेक्ट कर दिया जाता है इस फील्ड में इसको यहाँ से, ठीक है, कि जैसे पैदा हुआ इसको इसके वजह से करंट निकला और इस करंट को फिर से क्या कर दिया, फील्ड वाइंडिंग के कॉइल में कनेक्शन कर देता है, तो यही जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाता है इसका ईएमएफ की वजह से जो आपको स्टेटर में यानी इसके कॉइल में करंट पैदा होता है, इसी कॉइल के करंट के कुछ मात्रा को इसके रोटर में कनेक्ट कर देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, और ये जैसे जैसे बढ़ता है इसमें फ्लक्स का मान बढ़ते जाता है और ये अपने आप का फ्लक्स ज्यादा निकालता है और आपका वोल्टेज ईएमएफ लेवल बढ़ जाता है, इसमें अपने आप कहानी बनता है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत होता है अवशेष चुंबक का, किसका अवशेष चुंबक यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ये आपको पहले से बताया, ये कहानी होता है इसको लिख लीजिएगा, इसमें सेल्फ एक्साइटेशन वाला खुद ब खुद अपने से सेल्फ एक्साइटेशन हो जाता है। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, आप सेपरेटली बता रहे थे, सेपरेटली मैं आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर में क्या होता है, जिस अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देने के मतलब फील्ड वाइंडिंग बनाने के लिए फील्ड पैदा करने के लिए बाहर से डीसी सप्लाई का, ये कुछ लिखा हुआ है, डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, ये फिगर आप इसे मान लीजिए, इसमें क्या मान लीजिए तीन फेज का वाइंडिंग है, ठीक है, और तीनों फेज का वाइंडिंग इसके अंदर में क्या है, एन ओ एस बनाने के लिए बाहर से हम लोग क्या करते थे, याद है बाहर से हम लोग क्या करते थे, डीसी सप्लाई देते थे और ये फ्लक्स निकालता था और ये फ्लक्स क्या होता था, घूमता था, कनेक्टर सभी को काटेगा और सारे कनेक्टर को जो काटेगा तो इसमें क्या पैदा होगा, आपको ईएमएफ यानी कॉइल में पैदा होगा, तीन कॉइल है और तीन फेज की अलग अलग वाइंडिंग है तो इसके जो अल्टरनेटिंग करंट होंगे वो कितने 120 डिग्री का डिफरेंस रखेगा, कितना 120 डिग्री का, इसको आप नोट कर लीजिएगा 120 और ये 120, समझ गए, तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये बातें प्रकार के आधार पर, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर में आए, किसी किसके आधार पर, पहला घुमाने के आधार पर आया, उसके बाद क्या हुआ इसमें घूमने के आधार, घुमाने के आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर, और दूसरा इसमें फील्ड घूमता है कि आर्मेचर घूमता है उसके आधार पर आया, फिर क्या कहा कि इसको कैसे सेपरेट घुमाते हैं तो उसमें डीसी सोर्स देकर के फील्ड कैसे पैदा करते हैं, तो फील्ड को पैदा करने के आधार पर आया, ये था आपको टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, तो आज थोड़ा सा यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो है इसके लिए बढ़ेंगे और अभी क्लास हम लोग लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।